हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कैट 2017 परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस सेशंस। सो आई एम होपिंग दैट यू कवर द फर्स्ट सेशन ऑफ परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस कैट 2017। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो इन प्रीवियस सेशन वी कवर 3 क्वेश्चन, सो इन दिस सेशन वी अगेन कवर 3 क्वेश्चन, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी कवर अनदर 3 क्वेश्चन। सो ओवरऑल 9 क्वेश्चन केम इन परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस टॉपिक कैट 2017। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, देर आफ्टर लुक द सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन रीड करते हैं। लाइक इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाई 40% एंड पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन पर कैपिटा ओके प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाई 27% ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, सेम पीरियड ओके। द परसेंटेज बाई विच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज ओके पॉपुलेशन परसेंटेज पॉपुलेशन के लिए विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड ओके कूल, मतलब कितना परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ उस पे हमको निकालना है। सी गाइस, यहाँ पे कुछ एक दो टर्म हमको प्री रिक्विजिट है जानने के लिए कि जैसे पर कैपिटा, आई एम होपिंग दैट आपको पता होगा कि पर कैपिटा प्रोडक्शन या फिर पर कैपिटा इनकम या कैसे निकालते हैं, जो टोटल जैसे पर कैपिटा इनकम के लिए बात कर रहे हैं, जो टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे भी सेम होगा, पर कैपिटा प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का, तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पर कैपिटा, जो भी इनकम प्रोडक्शन जो भी चीज निकालने के लिए हो। सो आई होप आपको यह भी क्लियर होगा, बाकी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो एक चीज और समझने की नीड है, यहाँ पे सारे चीजें परसेंटेजेस में है और क्वेश्चन भी बोल रहा है परसेंटेज में। सो मैंने अपना जो फर्स्ट वीडियो बताया बताया था, जो कॉन्सेप्ट वीडियो, वहां पे मैंने ऑलरेडी मेंशन दैट कि व्हेनेवर इन क्वेश्चन देयर इज ओनली परसेंटेजेस, मतलब कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ परसेंटेज 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 दिया है। सो उस केस में हम वेरिएबल को अज्यूम नहीं करते हैं, वेरिएबल इन द सेंस लाइक एक्स वाई जेड जो भी है वो अज्यूम नहीं करते हैं, वी विल अज्यूम ओनली वैल्यू, कोई एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, और परसेंटेज के टर्म में 100 से बेटर कोई इंटीजर वैल्यू है नहीं। सो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे 100 ओके। सो अभी एज्यूम कर लेते हैं कि फूड प्रोडक्शन जो है वो 100 था, जो इंक्रीज होके इंक्रीज हुआ 40% से। सो एज्यूम करते हैं कि 100 फूड प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर में था, फूड प्रोडक्शन वो इंक्रीज इंक्रीज बाई 40%, इट मीन्स दैट दिस ईयर फूड प्रोडक्शन इज 140। अब पर कैपिटा, सो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि पॉपुलेशन 10 ऐसा नंबर ले जो कि 100 से डिवाइड हो, सो इजी नंबर इज 10, सो 10 ले लेते हैं। अब बोल रहा है और पर कैपिटा फूड ग्रेन इंक्रीज्ड बाय 27%, सो पर कैपिटा फूड ग्रेन कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब पास्ट ईयर के लिए, सो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब नाउ क्या बोल रहा है कि ये जो है 10 वो दिस ईयर के लिए 27% से इंक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, सो विदाउट फ्रैक्शन में जैसे मतलब फ्रैक्शन में ना करने के लिए वी विल टेक अनदर जीरो हेयर, सो दैट एडिशनल एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, पॉपुलेशन हम लोग 10 ही रखते हैं। सो यहाँ पे जब 10 आ जाएगा और 27% इंक्रीज हो रहा है, सो ये 127 हो गया। देखो यहाँ पे 1000 है, तो ये इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 10 और मुझे एड ऑन करना पड़ेगा, 40% का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये हो गया 1400 पर कैपिटा फूड 120। सो यहाँ पे पॉपुलेशन कितना हो गया, सो पॉपुलेशन का सिंपल सा आप होगा कि जितना फूड ग्रेन है उतना में हम ये फूड ग्रेन पर कैपिटा फूड ग्रेन डिवाइड कर लें,
127, सो 127 वन, ओके 13 जीरो, अगेन वन, वन थ्री हुआ, डिसिमल जीरो, अगेन जीरो जीरो, सो 127 टू, ओके सो 11.02 समथिंग, सो पॉपुलेशन इज 1.02 फॉर करेंट ईयर। अपना क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक कितना परसेंटेज से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। सो इन लास्ट ईयर द पॉपुलेशन वाज 10, बट इन करंट ईयर पॉपुलेशन इज 11.02, सो परसेंटेजेस इंक्रीज, सिंपल परसेंटेजेस इंक्रीज, जो डिफरेंस, सो डिफरेंस हाउ मच, 1.02। एंड बेस कितना है, हम लोग लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर के बेस पे परसेंटेजेस इंक्रीज फाइंड आउट कर रहे हैं, सो बेस डिनोमिनेटर में परसेंटेजेस तो मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस, सो 10.2, 10.2, सो 10% अप्रोक्स पूछा होगा कहीं ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ओके अप्रोक्स नहीं पूछा है, फिर भी 10.2 है, सो ये अप्रोक्स ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0.2 है, तो वैल्यू बहुत माइन्यूट वैल्यू है, सो 10.0, सो ऑप्शन सी, क्योंकि और कोई क्लोज वैल्यू है नहीं यहाँ पे 16, 13, 7, सो ऑप्शन सी। सो देखो मैंने यहाँ कितना इजी से कर लिया, अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू, सॉरी कोई वेरिएबल लेते जैसे एक्स, अगर बाय द वे यहाँ एक्स लिया, फिर ये भी एक्स में आता, फिर कुछ और अगर यहाँ पे वाई ले लिया तो एक्स बाई वाई, ऐसे ऐसे वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना पड़ता। सो हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी सिर्फ परसेंटेजेस परसेंटेज में रहो तो वहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेते ही नहीं है, जस्ट टेक इंटीजर वैल्यू, एज्यूम इंटीजर वैल्यू, उसी केस पे सारे चीजें फॉर्मुलेट होते चली जाएगी, क्योंकि परसेंटेज में भी पूछा है, मतलब क्वेश्चन भी पूछा है परसेंटेज इंक्रीज में ही, सो उसी बेसिस पे निकलेगा ना जितना हमने एज्यूम किया है। सो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर फॉर यू। बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, सो रीड करते हैं, लाइक अरुण प्रेजेंट एज इन 40 ईयर, हाँ या बट यू फर्स्ट पॉज द वीडियो देन सॉल्व देन चेक सॉल्यूशन। सो अरुण प्रेजेंट एज इन ईयर इज 40% ऑफ बरुण, ओके इन अनदर फ्यू ईयर, ओके अरुण एज विल बी हाफ ऑफ बरुण, ओके बाई वाट परसेंटेज विल बरुण एज इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड। देखो गाइस सेम इसमें भी है, परसेंटेजेस इंक्रीज, यहाँ भी परसेंटेजेस, यहाँ यहाँ भी, अच्छा यहाँ हाफ है, सो देखो ये परसेंटेजेस में पूछा है और यहाँ परसेंटेजेस इंक्रीज में किया है, सो वी ओंट टेक एनी वेरिएबल वैल्यू, हम लोग इंटीजर वैल्यू एज्यूम करेंगे और उसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 40% है वरुण का एज, सॉरी 40% ऑफ वरुण इज अरुण का एज, सो लेट एज्यूम कि वरुण का एज 100 है, सो एज ऑफ अरुण इज 40, 40% ऑफ अरुण मीन्स 40% ऑफ 100 इज 40। नाउ इन अनदर फ्यू ईयर, अब वी डोंट नो द हाउ मच ईयर, तो यहाँ पे हम लोगों को एक एज्यूम करना पड़ेगा, लेट सपोज कि एक्स ईयर, एक्स ईयर के बाद अनदर फ्यूअर मीन्स एक्स ईयर, सो आफ्टर एक्स ईयर द एज ऑफ वरुण इज 100 प्लस एक्स, एज ऑफ अरुण इज 40 प्लस एक्स, मतलब प्रेजेंट एज 100 है दोनों का, अगर एक्स ईयर बाद, सो एक्स ईयर के बाद ये एज तो इतना होगा ना, 100 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, वेरी सिंपल। अब ये बोल रहा है कि फ्यू ईयर मीन्स अरुण का एज जो 40 प्लस एक्स विल बी हाफ ऑफ बरुण, मीन्स 40 प्लस एक्स इज हाफ ऑफ बरुण एज, दैट इज 100 प्लस एक्स, सो 80 क्रॉस मल्टीप्लाई 80 प्लस 2x इक्वल टू 100 प्लस एक्स, सो सब्सट्रैक्ट एक्स फ्रॉम 2x, सो दिस इज एक्स, एंड सब्सट्रैक्ट 80 फ्रॉम 100, सो दिस इज 20, सो एक्स का वैल्यू 20 आ गया। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग, बाई व्हाट परसेंटेज विल बरुण एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इनिशियली हमने बरुण का एज 100 लिया था और एक्स ईयर के बाद 100 प्लस एक्स हो गया और एक्स का वैल्यू यहाँ पे मुझे 20 आया, सो यहाँ पे बरुण का एज आफ्टर 20 ईयर्स 120 होगा,
कितने का इंक्रीमेंट हुआ, एक से 120 हुआ, तो सिंपल 20%। सो कितना है, सो यहाँ पे 20 वैल्यू फिल कर देंगे, क्योंकि वहाँ परसेंटेजेस एंड ऑल कुछ नहीं रहता है। सो देखो कितना सिंपल वे से हम लोग सॉल्व कर लिए, जस्ट हम लोग वैल्यू अज्यूम कर लिए। अदरवाइज वेरिएबल लेते तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया, फिर यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेना पड़ता, सो दो वेरिएबल में डील करना पड़ता। सो दो वेरिएबल में डील करने के बजाय वी आर डील विथ ओनली वन वेरिएबल। सो ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें, बट वी हैव टू टेक कंसिडर, और विद द प्रैक्टिस यू विल नो डैट कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो जस्ट प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन को, यू विल इजिली नो ऑल दिस थिंग्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ भी देखो आप क्वेश्चन में सारे जगह परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, सब परसेंटेजेस है। कोइंसिडेंस के तीनों क्वेश्चन में वही मिल रहा है, तो यहाँ भी हम लोग वही चीजें करेंगे, कोई वेरिएबल नहीं लेंगे, वैल्यू पे डिनोट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फर्स्ट 6 क्वेश्चन। इफ अ सेलर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15% ओके ऑन रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस मीन्स मार्क प्राइस, रिटेल प्राइस मीन्स मार्क प्राइस, सी स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2%, कुल विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ऑप्शन लाइक गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन रिटेल प्राइस ओके, गिव अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन रिटेल प्राइस ओके, इंक्रीज द रिटेल प्राइस बाई 2% ओके एंड सेल एट द रिटेल प्राइस ओके। सो इन ऑप्शन वी हैव टू ऑल्सो सॉल्व करना पड़ेगा ऑप्शन को भी, क्योंकि सारे रिटेल प्राइस पे कुछ डिस्काउंट, यहाँ पे भी डिस्काउंट है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट, और यहाँ पे सेल एट रिटेल प्राइस। सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में भी हम सॉरी ऑप्शन में भी हमको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है चेक करने में। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। सो देखो यहाँ पे अब वी एज्यूम रिटेल प्राइस, लाइक डिस्काउंट दिया है 15% रिटेल प्राइस पे, सो रिटेल प्राइस वी एज्यूम 100, और 15% का डिस्काउंट दे दिया 100 पे, सो ये हो जाएगा 85, सेलिंग प्राइस इज 85, डिस्काउंट दिया है रिटेल प्राइस पे 15%, इट मीन दैट सेलिंग प्राइस इज 85। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2%, मतलब 85 रुपीज में जो प्रोडक्ट है सेल किया, तो सेलर 2% का प्रॉफिट ले रहा है। अब तो सीपी तो मुझे पता नहीं है, तो सीपी फाइंड आउट करने के लिए तो ये कंडीशन दिया है, ये कंडीशन सॉरी हाँ, टू फाइंड आउट सीपी, इसीलिए तो ये कंडीशन दिया है सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%। अब प्रॉफिट 2% ले रहा है, इट मीन्स दैट मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2% ओके कूल। सो प्रॉफिट ऑफ 2% इट मीन्स दैट लाइक सेलिंग प्राइस जितना भी है, सॉरी कॉस्ट प्राइस, उस पे 2% ज्यादा करके बेच रहा है, तो 85 रुपीज आ रहा है। सो 2% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/50। अब प्रॉफिट हो रहा है, सो सीपी में हम लोग 51/50 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो अब दिस बिकम एसपी, एसपी तो मेरा 85 है, सो दिस इज इक्वल टू 85। सो सीपी इनटू 51/50 इक्वल टू 85, सो कैंसिल आउट होगा कुछ, यस 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, अब तो कुछ नहीं होगा नहीं, सो सीपी इज इक्वल टू 250/3, सो यहाँ पे सीपी 250/3 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर सी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सो 20% मीन्स 1/5, अब प्रॉफिट है तो 6/5 हो जाएगा, सो सीपी जो आया है 250/3, उसमें हम लोग 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके हमको पता चलेगा कितना पे वो बेचेगा सेलर, तो उसको प्रॉफिट होगा 20%।
सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 5 50, सो 100। सो इफ सेलर सेल इन 100 रुपीज, देन ही और सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सो 100 रुपया में बेचेगा तब जाके उसका 20% का प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ रिटेल प्राइस। सो रिटेल प्राइस पे अगर 5% डिस्काउंट दिया शेयर 95 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी गिव अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑफ रिटेल प्राइस मीन्स 98 रुपया में, 98 रुपीज में बेचेगा। सो यहाँ पे 100 में बेच रहा है, यहाँ पे 98। सो ऑप्शन बी ऑल्सो गॉन। ऑप्शन सी देखते हैं। इंक्रीज द रिटेल प्राइस ऑफ 2%। सो 100 है रिटेल प्राइस, अब 2% इंक्रीज करेंगे सो 102, बट यहाँ पे एस पी 10। सो ये भी हो खत्म। सो सेल एट रिटेल प्राइस मीन्स रिटेल प्राइस इज 100, अब उसी पे हम लोग सेल करेंगे मीन्स 100 पे सेल करेंगे। सो एस पी ए मेरा 100 ही आया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। कैसे मैंने बताया कि हाँ जब परसेंटेजेस रहे तो हम लोग वेरिएबल नहीं लेंगे, सिर्फ वैल्यू लेंगे। सो ये चीजें आपको मेक श्योर करना है कि कब वेरिएबल लेना है, कब मुझे वैल्यू लेना है, सो डैट आप इजी वे से कैलकुलेट कर पाओ परसेंटेजेस के क्वेश्चन को। सो आई होप दिस मेक सेंस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट टू यू प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू कमेंट व्हाट यू फील और वेयर आई कैन मेक इम्प्रूवमेंट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 7 8 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।